फिर जैसे गए तरावी पढ़ाने के लिए नजराना तय वो 200 और गांव वाले इतने बड़े बेवफा निकले कि जब तरावी पढ़ ली 300 तो नजराना दिन 100 रुपया कहीं ना तो सुनाई दी इन्हें भी करिए का। हाफिज ने कहा अरे मरदूदो मेरा नजराना पूरा दो वरना मैं सब बर्बाद कर दूंगा। तो लोग कहें अब क्या बर्बाद करे अब तो जो पढ़ा रहा है पढ़ा दिए कहीं दे दो वरना मैं बर्बाद करने जा रहा हूँ। कहा चाहे जो उनका अब तो पढ़ाए दी हो हमारे तो इस तरावी हुईगी। तो हाफिज जी ने कहा जाओ जितनी तरावी पढ़ाया था सब बगैर वजू के पढ़ाया था। अल्ला, 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 अल्ला। तो अब क्या करें बेचारे जब इमाम का वजू नहीं होगा तो नमाज किसी की होगी नहीं। तो जले जू पर यहू का हाथ है। अभी हजरत हमारे तनख्वाह के लिए बता रहे थे एक हमारे उधर कारी साहब हैं तो अक्सर वो नमाज में भूलें कहूँ 4 रकात के बजाय 5 रकात पढ़ावें कहूँ 4 के बजाय 3 सलाम फेर दें आए दिन उनके ही मुसीबत। तो लोग डांटें कहेंगे यार हाफिज जी दिमाग सही करो यार एक दिन हुए 2 दिन हुए रोजाना तुम्हारी ही चलत है। तो इनका करी तनख्वाह है 5,000 घरे खर्चा है 10-12 हज़ार के जब नमाज पढ़ी तो बस सोचे लगे थे कि दूध कहाँ से आई सही गोश्त महीने हफ्तम लेके गोश्तवा कहाँ से वो वही में हमार नमाज सब खराब जाती। तो या तो तनख्वाह बढ़ाओ 10,000 तो नमाज सही पढ़ो नहीं तो हमारे ऐसे रही। तो लोग कहेंगे यार इनके बढ़ाए दो नहीं तो सारी नमाज हमारा ऐसे चौपट हो जाओगे। भाई इंसानी फितरत है आदमी की ज़रूरियात हैं तो ज़रूर उधर जहन जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात अभी हजरत ने कही है अल्लाह ताला इनको जदाए खैर दे। हाफिज आलिम शादी होगी तो 20-20 गाड़ियाँ आ रही हैं तब कोई से सलाह न ले कि 20 गाड़ी बंधे कि न बंधे। तमाम इंतजाम करेंगे बारात चलेगी तो लगत है कौनो अरबपति के रो और लागत है 2 बीघा जमीन बेच के आए हैं तब कोई से न पूछिए। और जब इमाम साहब निकाह पढ़ाए दे हैं निकाह पढ़ाऊनी जब पूछिए कब तब हुआ तो अगर कहूँ 5,000 बताए दी नहीं 2500 तब बल ही सब कतनी इधर आओ तुम इधर आओ तब सलाह ले हैं वहाँ 20 लाख खर्च किया 15 लाख तब किसी से मशवरा नहीं लिया और जब नजराना इमाम को देना हुआ तब पंचायत कर रहे अरे गैरत मर गई है? हमने मोबाइल में देखा था हुजूर ताजु शरिया से किसी ने पूछा था कि निकाह पढ़ोनी कितना होता है तो हजरत ने फरमाया था कुंवारी लड़की का निकाह पढ़े 1 दीनार और दोहला लड़की का निकाह पढ़े 0.5 दीनार। अब 1 दीनार की कीमत जोड़वाओ तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपया निकली या वैसे कहते और ज़्यादा निकले। इतना होने के बावजूद 25,000 के बजाय 2500 उमम मीटिंग हुई लागत। ऐ लोगों अपने इमाम पर रहम करो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है अल्लाह ताला हमको आपको इनकी तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह ईमान वालों तुम अल्लाह ताला से डरो हक़ तुकाती जैसा कि उससे डरने का हक है वैसे डरो। आज हम कहते तो हम डरते हैं लेकिन दिन भर में बोलियां हम कितनी सच बोलते हैं। सच्ची बोली बोलो। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इन काला काला रसूलुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया अस्सिदुकु बिर्रुन सच नेकी है वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना और यह ऐसी नेकी है जो इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है वल किज़्बु फुजूरुन और झूठ बोलना गुनाह है वल फुजूरु यहदी इलन्नार
और झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाती है। सच बोल। हजरत शिबली अली रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने ऐसा इनको नवाजा कि इनके वसीले से आला हजरत ने दुआएं मांगी। अर्ज करते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। बहरे शिबली यानी शिबली के वास्ते, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके ज़माने में एक नौजवान हजरत की बारगाह में गया, कहने लगा, हुजूर पूरी ज़िंदगी गुनाह में गुजर गई, लेकिन आज मैंने तौबा का इरादा किया है, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? हजरत ने फरमाया, तौबा कर ले, मेरे नबी का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बे, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्लाज़म्बला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। गुनाहों से पाक हो जाओगे। वो आदमी के हर थाने में यह नाम दर्ज रहे। पुलिस हर गरीब के पीछे पड़ी रात, घरे नहीं सोए, गाँव खरिहाने में पड़ा रहा है, गाँव खेते में पड़ा रहा है रात भर। लेकिन जब हजरत ने फरमाया कि तौबा कर लो, गुनाह से पाक हो जाओगे, तो उसने तौबा किया और हजरत से मुरीद भी हो गया। अब सोचे कि अब तो गुनाह सब खत्म, आवा घड़े घरे बड़े आराम से लेटा रहा था, लेकिन गुनाह खत्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जी? पुलिस छापा डाली, जब छापा पड़ा तो भगा वहाँ से, सोचा कहाँ चले जाएँ, सोचा ला उन्हीं के पास चले जाएँ जिनके सामने मैंने तौबा किया। वहाँ गया, रात में कहा, हुजूर बचाइए बचाइए पुलिस पुलिस। हजरत के खानकाह का कमरा था, कहा बेटा इसी कमरे में बैठ जा। कमरे में गया, चुपके बैठा। पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो पता लगाते लगाते खानकाह पहुंच गई। पूछा, हजरत फला आदमी इधर आया है? हजरत ने फरमाया, हाँ। कहाँ? कहा इसी कमरे में बैठा है। सोचे, या अल्लाह कितना बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बैठा है कि पकड़वाए दी, या अल्लाह रहम कर। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। पुलिस कमरे में गए, पूरा कमरा देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। वापस आए पुलिस, कहा हुजूर वो उसमें नहीं है, बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के निकल गया। कहा नहीं भाई, उसी में जाके देखो तो उसी में है। जब वो सुनिश्चित हो गए, या अल्लाह रहम कर दे तो बगैर पकड़वाए ना मानिए, या अल्लाह रहम कर दे। हाँ। पुलिस फिर गई, देखा, वो नज़र नहीं आया, लेकिन वो देखता रहा। पुलिस वापस आए, कहा हुजूर यहाँ नहीं है। पुलिस चली गई, तब वो कमरे से निकला, कहा तुम पीर हो कि दुश्मन हो हमारे? कहा क्या हो बेटा? कहा बेटा कहते तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं। क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ये तो कहा वो हमें देख नहीं पाए। तो हजरत फरमाते, बेटा ये मेरे सच बोलने की बरकत थी जो तुझे देख नहीं सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सच बोलने की बरकत थी बेटा। मैं सच बोला तो अल्लाह ताला ने सच्चाई की बरकत से तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। अगर झूठ बोल देता तो पुलिस पकड़ लेते, और झूठ बोलने की वजह से मैं अज़ाब इलाही में मुब्तला होता। ये सच बोलने की बरकत है। अरे लोगों, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करके एक अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है, तो अल्लाह ताला फिर उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। अरे लोगों, सच बोलो। और इसी से सोचो कि जब एक अल्लाह के वली से लव लगा लिया तो अल्लाह ने उसे बचा लिया, दुनिया के सिपाही उसे न पकड़ पाए। अगर आपने अपने नबी से लव लगा लिया तो क्या हाल होगा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ढूंढा ही करें सदरे कयामत में सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो अल्लाह से डरो और सच बोली बोलो। अल्लाह से डरते हो तो सच बोलो। आज सब कहते हम डरते तो हैं, लेकिन डरते सहाबा थे। हज़रत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इतना डरते, इतना डरते कि रोज़ाना रोया करते और कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता था कि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। और आज हम कब्र से तो डरते ही नहीं बिल्कुल। पहले बहुत अच्छा बोला था, अब अच्छा बोल रहा है, अब छोड़ दो भैया, अल्लाह वास्ते हो के पिंडी छोड़ो, अब फूटी उठी ना बेटे को। या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। और आज हमें कब्र का कोई ध्यान नहीं, कब्र से हम डरते ही नहीं, हमारे दिल इतने सख्त हो गए। आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए हैं। बताते हैं एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो उनके लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात बैठे बतियाएं, तो बप्पा कहा थे भैया रे हमें बचबे ना, मर जेबे हम। तो लड़कों के इन तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा दियो। कहीं यूँ कहाँ हो सकते हैं अब्बा कि तुम हमारे लिए घर बनवाए, पढ़ाए लिखा दे, कफन में हम पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा, कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि कब्र में जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखे जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे है? तो ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरे के बादो सोचा था कि हूँ दलाली के निकल जाइए। हे लोगो, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब के पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, कब्र से बचो। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकेरो सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, खड़े हैं मुनकर नकीरु सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में, बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। ऐ लोगो, अल्लाह को डरो, जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन इल्ला वान्तुम मुस्लिमून, और हरगिज हरगिज तुम ना मरो, मरना तो है ही है, अल्लाह मना फरमाता है। वला तमूतुन, हरगिज हरगिज तुम ना मरो, इल्ला वान्तुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान बन के मरो, मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। और ऐ लोगों, मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। आज हम दाढ़ी नहीं रखाते, और मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है तो या हुसैन या हुसैन या अली बोलो। ऐ लोगों, नाराज ना होना, जरा सोचो, कहियो कि मुलवी मौलाना यह सब याद ही कई क्या होता है, यही इनके थी और कुछ धरा है, और हम लोग किस काम के लिए भाई। याद रखो, 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, कोई
कोई नबी दड़ मुंडा नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वदा में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया, कोई सहाबी के चेहरे से दाढ़ी नहीं ख़त्म हुई और न किसी नबी के चेहरे से दाढ़ी ख़त्म हुई। आम मुसलमानों के दाढ़ी बनवा रहे हो, ज़रा सोचो तो सही। हदीस पाक में उदोर फरमाते हैं कि सतफ तरक उम्मती अला सलासिम व सबईन मिल्ला, हुज़ूर फरमाते मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी, 73 फ़िरक़े होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जहन्नम में नहीं जाएगा। पूछा गया वमा हिया, अल्लाह के रसूल वो फ़िरका कौन है, वो जमात कौन है जो जहन्नम में नहीं जाएगी? तो सरकार फरमाते हैं हिया मान अलैह व असहाबी, वो फ़िरका वही है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलता है, मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे जो है वो जन्नत में जाएगा। अब नौजवानों ज़रा सोच लो, नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई, तुम मुसलमान हो दाढ़ी बनवा रहे हो, तुम अपने मकाम को भूल गए, नहीं समझा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान का दर्जा भूल गया, यहूदियों के बीच में रह करके, गैरों के बीच में रह के मुसलमान ने अपना मकाम भुला दिया। तो वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब लिखते हैं कि एक शिकारी गया जंगल में शिकार करने, तो एक छोटा बच्चा शेर का पा गया, तो उसको उठा लाया, उसके घर में बकरियां थी वहीं छोड़ दिया, बकरियों के साथ रहता था, जब बकरियों के साथ रहता था तो बकरियां उसको सींग मारती तो भागता, बड़ा हो गया, लेकिन वो जानते ही नहीं था मैं शेर हूँ, बड़ा हो गया, बकरियां उसको परेशान करती थीं, कभी इधर सींग मारे तो भागे, कभी उधर सींग मारे तो भागे। इत्तेफाक से एक दिन उसकी कहीं मुलाकात शेरनी से हो गई, तो शेरनी ने कहा अजीब हाल है तुम्हारा, तुम शेर हो और शेर से दुनिया डरती है और तुम बकरियों से डरते हो, तुम्हारे पंजे ये, तुम्हारे नाखून ये, तुम्हारे दांत ये किस काम आएंगे? तो कह रहा ऐसा कैसे, नहीं समझा। तो वो शेरनी शेर के बच्चे को एक पानी के चश्मे के पास बुला के लेके गई और उसके किनारे खड़ी हुई, वो भी खड़ा हुआ। जब दोनों ने अपनी अपनी तस्वीर पानी के तह में देखा, तब उसने देखा कि अरे जैसे पंजे इसको वैसे हमारे, जैसे इसके नाखून वैसे हमारे नाखून, और इससे दुनिया डरती है और हमसे बकरियां हमको मारती हैं। उसी दिन से उसको समझ में आ गया कि हम तो शेर हैं और हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं। जिस दिन उसने पहचान लिया उस दिन बकरियां क्या, बकरी वाले भी उससे भागने लगे, सारे लोग डरने लगे। तो आज मुसलमान अपना मकाम नहीं जानता कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बना के पैदा किया है, गैरों के बीच में रह करके गैरों जैसी सोहबत इख्तियार कर ली। ऐ आली के नारा लगाने वाले, हजरत अली शेरे खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? ज़रा सोचो तो सही। हुज़ूर सैयदुल उलमा के खलीफा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अली रामा बम्बई में आशूरा के रोज़ बयान कर रहे थे कि यजीद भी जब तख्त पर बैठा तो उसके दाढ़ी थी, उससे पहले किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी, दाढ़ी थी। दरबार सजाया, नई को बुलाया और नई को बुलाने के बाद कहा मेरी दाढ़ी बनाओ, बनवाने लगा और कहने लगा ये लोगों गवाह हो जाओ इस सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहले मैं हूँ, माशाल्लाह सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई। अय मुसलमानों, तुम यजीदी नहीं हुसैनी हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई है तुम भी न बनवाओ। हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, माशाल्लाह दाढ़ी भरी हुई थी, घनी थी। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था,
और की दाढ़ी थोड़ी सी थी जामी रहा, जैसे सिकचिल्लियक देखे हुई हो। अब तो सिकचिल्लिक लोग देखते ही नहीं हैं, पहले बहुत देखत रहा है। जैसे सिकचिल्ली थोड़ी सी रखा है ऐसे वो रहा है। करीब आया तो उसने कहा, अल्लाह के शेर, आपके चेहरे पे दाढ़ी इतनी घनी और हमारे चेहरे पे दाढ़ी इक्का दुक्का बाल आए, ऐसा क्यों? आप इसका जवाब कुरान से दो, क्योंकि आपके बारे में आपके नबी ने फरमाया है, बाबुल इल्म हो तुम। सरकार ने फरमाया, ना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। तो अगर तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो तो ये बात बताओ कुरान से कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने जमे, ऐसा क्यों? हजरत अली का इल्म माशाल्लाह। फौरन कुरान की आयत पढ़ा हजरत अली शेर खुदा ने, कहा सुनो इसका भी बयान अल्लाह ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता, अल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल बलदु तय्यिबु, अच्छी ज़मीन जो होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाते, लाकिन खबूसा, लेकिन जो ज़मीन खबीस होती है, बेकार होती, बंजर होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया था वैसे हजरत अली ने जवाब दिया। यहूदी ने सुना तो कहने लगा, अली खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी बरहक हैं, उनकी हर बात सच्ची है। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दाढ़ी रखा लो, हजरत अली से अगर मोहब्बत करते हो अभी मुहर्रम आ रहा है, आली आली करोगे। अगर नहीं रखाए हो वैसे आली आली कहा था तो आली आली कहे वाले दज्जाल दुनिया में बहुत आए हैं, बहुत गुजरे हैं दज्जाल दुनिया में।